दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आफत के पुतले पार्ट टू। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं आफत के पुतले पार्ट वन में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी बाल एजेंट राम रिम के फोल्डर में, प्ले लिस्ट के अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। अगले क्षण हेलीकॉप्टर राम रिम को लेकर किले की ओर उड़ चला। नीचे सैनिक काफिला भी वापस किले की ओर लौट रहा था। पायलट कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित करो और उन्हें सूचित करो कि हम उन दोनों भारतीय जासूस छोकरों को जिंदा देकर आ रहे हैं। सुरक्षा सैनिक हमारे हेलीकॉप्टर को गलतफहमी में नष्ट करने की कोशिश न करे। ओके सर। पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर में फिट ट्रांसमीटर द्वारा किले के कंट्रोल रूम से संपर्क जोड़ना आरंभ किया। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, हेलो। संपर्क जुड़ते उसने सारी रिपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर को दे दी। इधर किले के भीतर बने कंट्रोल रूम में भारतीय जासूसों के पकड़े जाने की खबर मिलते ही हर्ष की लहर दौड़ गई। माम, इनको सूचित करो कि दोनों जासूस पकड़ लिए गए हैं और मिस्टर बुल्टो उन्हें जिंदा हेलीकॉप्टर में लेकर किले के भीतर आ रहे हैं। साथ ही सुरक्षा सैनिकों को भी निर्देश दे दो कि वे आने वाले हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा न करें। ओके। आह, अब आएगा मजा जब उन दोनों छोकरों को कुत्ते की मौत मारा जाएगा। चलो, सरदर्द दूर हुआ। इधर किले के भीतर ही बने एक विशाल और आलीशान इमारत के भीतर कायम की गई उस आधुनिक प्रयोगशाला में विश्व का कुख्यात मुजरिम किंतु काले टापू का सम्राट कोमांचू भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर घोष के सामने खड़ा था। मैं बहुत ज्यादा सबर नहीं कर सकता प्रोफेसर, प्रयोग की हर वस्तु और दुनिया भर के ऐशोआराम मैंने तुम्हें जुटा दिए हैं। अब तुम्हें भी जल्द से जल्द उन अदृश्य तरंगों का आविष्कार पूरा करके मेरे हवाले कर देना चाहिए ताकि मैं अपने टापू को बाह्य खतरों से पूरी तरह सुरक्षित कर सकूं। मैं अपनी ओर से उस आविष्कार को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और दिन रात उसी के प्रयोग में जुटा हूं। मुझे विश्वास है कि एक से एक सप्ताह के भीतर भीतर मैं अदृश्य तरंगों की जांच पूरी कर लूंगा। गुड, मुझे तुमसे यही आशा थी। यदि किसी किस्म की कोई तकलीफ हो तो कहने कहने में संकोच न करना। धन्यवाद, फिलहाल मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तभी एक सैनिक ने भीतर प्रवेश किया और फोमांचो की आंखें उसे देख क्रोध से सुलग उठी। क्या बात है जवान, मैंने सख्त निर्देश दिया था कि बिना किसी जरूरी काम के कोई भीतर न आए। क्षमा चाहता हूँ मामिम, लेकिन सूचना ही ऐसी थी कि मुझे तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होना पड़ा। ओह, कहो क्या सूचना है। कंट्रोल रूम ने हमें सूचना भेजी है कि दोनों भारतीय जासूस छोकरे पकड़े गए हैं और कमांडर बुलडॉग उन दोनों को लेकर जल्दी किले में पहुंच रहे हैं। भारतीय जासूस छोकरे? ओह, कौन हो सकते हैं? सुनकर कोमांचू प्रसन्नता से उछल पड़ा। शाबाश, तुरंत जाओ और उनके स्वागत की तैयारी करो। साथ ही ट्रांसमीटर पर बुलडॉग को खबर करो वे हेलीकॉप्टर को हमारे राजमहल की छत पर ही उतारे। हम उन दोनों आफत के पुतलों को देखने के लिए व्याकुल हैं। जो आ गया मामिन, पता नहीं कौन है भागे लड़के आपस में इनके चुंगल में। सैनिक के जाने के बाद, हा, सुना तुमने प्रोफेसर, भारत के दो दो छोकरे जासूस जो तुम्हें छुड़ाने आए थे खुद हमारे चुंगल में फंस गए हैं। अब दिखाएंगे हम तुम्हें उनकी मौत का नजारा। लेकिन वे दोनों है कौन? राम रेम कम वक्तों ने टापू पर पहुंचते ही तबाही मचा दी थी। मेरे बहुत से वफादार सैनिक उनके हाथों मारे गए। खैर, अब उनसे उनकी मौत का गिन गिन कर बदला लूंगा। ओह राम रेम। अच्छा प्रोफेसर, अब मैं चलता हूँ, लेकिन वायदे के मुताबिक तुम अपना काम अवश्य एक सप्ताह के भीतर भीतर पूरा कर देना। जरूर कुत्ते। जब कोमांचू पलट कर द्वार की ओर बढ़ गया, अब तो मैं 3 घंटे के भीतर अपना आविष्कार पूरा कर दूंगा मूर्ख, लेकिन तुम उस आविष्कार का परिणाम देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। उसके जाने के बाद कोमांचू, मुझे मालूम है कि तुम उन दोनों बहादुर लड़कों को भयानक मौत दोगे, लेकिन मैं उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यह मशीन टापू के साथ साथ तुम्हें भी और तुम्हारे ख्वाबों को भी मिट्टी में मिलाकर रख देगी। इंसानियत के दुश्मन, तुमने मुझे समझने में भयंकर भूल की है। तुम क्या जानो कि इतने दिनों से मैं तुम्हारे लिए दृश्य तरंगे नहीं बल्कि मौत की विनाशक अग्नि किरणों को तैयार करने में जुटा हुआ था, जो अब बिल्कुल तैयार है, और उन्हें इस मशीन से आजाद करने के लिए सिर्फ टाइम सेट करना बाकी रह गया है, और वह टाइम मैं अभी सेट किए देता हूँ। फिर प्रोफेसर घोष ने मशीन में लगे बटनों
और स्विचों को तेजी से दबाना और घुमाना आरंभ कर दिया। मैं जानता हूं उन अब विनाशकारी किरणों के इस मशीन से निकलते ही टापू और तुम और तुम्हारे साथ साथ मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। लेकिन मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मैं विश्व पर मंडरा रहे खतरे को समाप्त करने में सफल हो सका। सिगरी, लो हम सबकी मौत के लिए टाइम सेट हो गया। ठीक 3 घंटे बाद यह मशीन विनाशकारी किरणें उगलने लगेगी और हा 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 परिणाम की तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे फुमांचू, हा हा हा। और प्रोफेसर घोष पागलों के समान अट्ठास लगाता चला गया। उधर कमांडर बुल्डा का हेलीकॉप्टर राम रेन को लिए किले की ओर बड़ा चला जा रहा था। राम भैया, मरना तुम्हारे लिए निश्चित है, किंतु मैं मरने से पहले कुछ कर गुजरना चाहता हूँ। विचार तो बुरा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना विचार किले के भीतर पहुंचने तक त्याग दो। क्या मतलब? मतलब यह मेरे प्यारे भाई कि किले के भीतर पहुंचते ही हम किट बैगों में रखे दस्ती बमों और टाइम बमों का प्रयोग करेंगे। वो मारा, वाह क्या आइडिया सुझा है तुमने भैया, यानी हम मरते मरते भी इनका कबाड़ा करते जाएंगे। बिल्कुल, कम से कम चीफ का एक अरमान तो पूरा हो जाएगा कि टापू को हम जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाया। जबकि बुलडोंग उस समय राम ने इनके भयानक विचारों से अनभिज्ञ पायलट की बात सुन रहा था। सर, महामहिम का आदेश है कि हेलीकॉप्टर को सीधे राजमहल की छत पर उतारा जाए। उन्होंने आपको बधाई संदेश भी भेजा है। ठीक है, ऐसा ही करो। उधर बुलडॉग मन ही मन को सुंदर कल्पना कर प्रसन्न और गर्वित हो रहा था। महामहिम प्रसन्न होकर मुझे न केवल ढेर सारा इनाम देंगे, बल्कि अन्य लोगों की नजरों में मेरा सम्मान भी बढ़ेगा। और इधर राम रेन किला गया, थैले से दस्ती बम निकाल लो, लेकिन ध्यान रहे हमें बम फोमांचू की महत्वपूर्ण इमारतों और स्थानों पर ही फेंकना है। समझ गया भैया, बस अब देखते जाना। फिर जैसे हेलीकॉप्टर किले के भीतर दाखिल हुआ, उन्होंने हाथों में थमे दस्ती बम तेजी के साथ नीचे दिखाई देने वाली ऊंची ऊंची इमारतों पर फेंकने आरंभ कर दिए। और अगले क्षण भयानक धमाकों के साथ उन ऊंची ऊंची इमारतों के परखच्चे उड़ने लगे, धड़ाम धड़ाम। इस अप्रत्याशित हमले से पूरे किले में भयानक खलबली मच गई। भागो भागो, कंट्रोल रूम में भी बौखलाहट फैल चुकी थी। उफ, जल्दी सुरक्षा गार्डों को निर्देश दो कि वे हेलीकॉप्टर को तबाह कर दे, वरना शीघ्र ही पूरा किला तबाह हो जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर में कमांडर बुलडॉग भी है, ओह तो उन्हें शीघ्र निर्देश दो कि वे तुरंत उन छोकरों को गोली मार दें। ठीक है। इधर पहले तो बुलडॉग की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर नीचे से उभरते विस्फोट के स्वर और चीख पुकार को सुनकर जैसे उसने नीचे झांका तो तुरंत सारा माजरा समझ गया। उसकी आंखें क्रोध से सुलग उठी। मैं कहता हूं बंद करो अपनी हरकत, वरना गोली मार दूंगा। देख रहे हो भैया, दिवाली का असली नजारा। हाँ, लेकिन साथ ही साथ उस बुलडॉग की चेतावनी भी सुन रहा हूं, धड़ाम। जब बुलडॉग ने अपनी चेतावनी का उन पर कोई प्रभाव नहीं देखा तो क्रोध में भरकर उसने 2 हवाई फायर किए। मैं कहता हूं बंद करो बम फेंकना, वरना धोए धोए। मेरे विचार से अब हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं हम इसी इनके किले को। नहीं चलाने दो उसे गोली, ऐसे भी मरना वैसे भी, फिर क्यों न अच्छी तरह इनके किले को मटिया मेट कर दिया जाए। वह भी करेंगे, लेकिन फोमांचू से मिलने के बाद। ओह, इस कमबख्त को तो मैं भुला ही बैठा था। फोमांचू का जिक्र आते सहसा किसी विचार के अंतर्गत रहीम की आंखें किसी हिंसक जानवर के समान चमक उठी और कुछ सोचकर उसने दस्ती बम फेंकने बंद कर दिए। लो भाई, हमने तुम्हारी बात मान ली, हमारे लिए क्या हुक्म है अब? शहबाज, मैं अपने हाथों तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन यदि मजबूर करोगे तो। हम समझ गए भाई, आगे की बात अपने मुंह में रखो। शीघ्र हेलीकॉप्टर फोमांचू के महल के ऊपर पहुंचा। सावधान रहना रहीम, हमें जो कुछ करना है हेलीकॉप्टर के लैंड करने के साथ ही करना है। मैं समझ गया, तुम चिंता न करो। फिर कुछ ही क्षणों बाद हेलीकॉप्टर के छत पर लैंड करते ही वहां खड़े सैनिकों ने राम रहीम को अपनी बंदूकों के घेरे में ले लिया और उनके किट बैग अपने कब्जे में कर लिए। इनके जंजीरें खोल दो, लेकिन इनसे सावधान रहना, ये कोई गलत हरकत न करने पाए। और छोकरो, तुम भी ध्यान रखना, कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो जिस्म छलनी कर दिए जाएंगे।
नहीं करेंगे भाई, लेकिन ये गिदड़ बक्की बार बार हमें मत दो। दो सैनिकों ने आगे बढ़कर उनको जंजीरों से मुक्त कर दिया। सर मामिम ने इनको आपको इनके साथ तुरंत विशेष कक्ष में बुलाया है। ठीक है चलो, लेकिन सुनो छोकरो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप चलते रहो। लेकिन तभी राम रहीम के शरीर एक साथ किसी गेंद के समान हवा में उछले। उफ, और धड़ाक पड़ा। उफ आह, बुलडॉग और सैनिकों ने संभलने की पूरी कोशिश की, लेकिन राम रहीम ने उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं देकर उन्हें लात और घूंसों पर रख लिया। धड़, उफ, हाय मेरी माँ, आह, अरे बाप रे। तभी मौका पाकर राम एक तरफ पड़ी एक ब्रेन गन पर झपटा। भ्यू, आह, और ब्रेन गन के हाथ में आते ही डेट आई। उफ आई, अगले पल बुलडॉग सहित उन सबकी लाशें फर्श पर पड़ी दिखाई दे रही थी। रहीम ने तभी झपटकर अपना किट बैग और एक सैनिक की ब्रेन गन उठा ली। राम पहले अपना किट बैग उठाकर पीठ पर बांध चुका था। उस तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां, चलो नीचे चलते हैं। ठीक है चलो, लेकिन एक आध हथगोला हाथ में भी ले लो। ओके, वे सीढ़ियों से होते हुए नीचे पहुंचे। तभी उन्हें सामने से कुछ सैनिक दौड़कर आते दिखाई दिए। राम ने तुरंत हाथ में थमा हैंड ग्रेनेड उनकी ओर उछाल दिया। बचो दुश्मन। लेकिन एक भयानक विस्फोट के साथ उन सभी सैनिकों के चीथड़े हवा में उड़ गए। धड़ाम, ओह आई, दुश्मनों पर जरा भी रहम करने की जरूरत नहीं रही। जो नजर आए उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ते चलो। हमें अब सिर्फ फोमांचू चाहिए, वह भी जिंदा, ताकि उससे प्रोफेसर घोष के बारे में पता लगा सके। बिल्कुल ठीक कहा, वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो न केवल हमें आसानी से प्रोफेसर तक पहुंचा सकता है, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए ढाल बन हमारे यहाँ से भाग निकलने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। और दोनों भयानक ढंग से गोलाबारी और मारकाट मचाते हुए रोमांचू की खोज में पुनः आगे बढ़ चले। रेट थोड़ा भागो। ओह उफ, उधर फोमांचू अपने विशेष कक्ष में मस्त था कि अचानक चौंक उठा। ओह, यह फायरिंग और धमाकों की आवाज कैसी। तभी एक सैनिक घबरा हुआ सा भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या बात है जोर्डन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? यह फायरिंग और धमाकों की आवाज कैसी है? और कमांडर बुलडॉग, उन जासूस छोकरों को लेकर अभी तक मेरे पास क्यों नहीं पहुंचा? गजब हो गया मामहिम। वे दोनों भारतीय जासूस छोकरे आजाद हो गए हैं और मारकाट मचाते हुए इधर ही आ रहे हैं। शायद उन्हें आपकी तलाश है, क्रोध से चीख उठा फोमांचू। क्या बकते हो, कैसे आजाद हो गए वे दोनों? काम मर गए हैं बुलडॉग और अन्य सैनिक। कमांडर बुलडॉग के साथ साथ और भी बहुत से सैनिकों को वे छोकरे मौत के घाट उतार चुके हैं। मामिम, दोनों के पास काफी मात्रा में गोला बारूद है। क्या सब कुछ जानकर एक बार की तो फोमांचू की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। वे अदने से छोकरे इस तरह मेरे घर में घुसकर मुझे तबाह नहीं कर सकते। लेकिन फिर शीघ्र ही वे अपने आप को संभाल कर क्रोध से चीख उठा, मैं उनका खून पी जाऊंगा। जाओ, खतरे का अलार्म बजा दो और उन दोनों को जैसे भी हो, जिंदा या मुर्दा, मेरे सामने पेश करो। जाओ, जो आज्ञा सुनूर। वह सैनिक तेजी से बाहर की ओर चल पड़ा, लेकिन अभी वह द्वार पर ही पहुंचा होगा कि बाहर से गोलियों की एक जबरदस्त बौछार आई और वह चीखता हुआ कमरे में आ गिरा। तड़ तड़, अरे यह क्या। और इससे पहले कि फोमांचू कुछ सोचता समझता अथवा संभल पाता, द्वार पर राम रहीम गनताने आ खड़े हुए। उन्हें देखते दासे भयभीत तो भाग खड़ी हुई। ओह, तुम आफत के पुतले। नहीं, ओह खबरदार फोमांचू, अपने स्थान से हिलने की भी कोशिश मत करना, वरना परिणाम की तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। दूसरे क्षण आफत के पुतले राम रहीम आगे बढ़े और उन्होंने अपनी अपनी ब्रेन गने फोमांचू की गर्दन और सीने से सटा दी। फोमांचू का चेहरा वैसे फक पड़ गया, वो ललाट पर पसीने की मोटी मोटी बूंदे चूचवा आई। क्योंकि क्या चाहते हो? प्रोफेसर घोष को, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उन्हें हमें चुपचाप उनके पास ले चलो। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। फोमांचू के मुख से ना सुनते रहीम ने अपनी गन की नाल उसकी गर्दन पर और सख्त कर दी और किसी हिंसक भेड़िए के समान गुर्रा उठा। ऐसा अवश्य होगा प्यारे फोमांचू,
वो ना तुम नहीं जानते, इसका नाम राम है और यह तुम जैसे न जाने कितने रावणों को अब तक मौत की नींद सुला चुका है। इनकार करने की दशा में यह तुम्हें भी नरक लोक पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। रोमांचु की सांस जैसे गले में फंसकर रह गई थी। लेकिन इससे पहले ही फोमांचू हाय अन्ना में कुछ कहता कि तभी कुछ सैनिक दौड़ते हुए भीतर घुसे, परंतु राम पूरी तरह सतर्क था और इससे पहले कि सैनिक अपने उद्देश्य में सफल हो पाते, राम की ब्रेन गन एक बार फिर गर्ज उठी। तड़ 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 आई उफ। अपने सैनिकों को पलक झपकते ही मारे जाते देख फोमांचू का रास हौसला भी जाता रहा। हाँ बताओ, तुम हमें प्रोफेसर घोष के पास ले चलते हो या नहीं? मैं तैयार हूँ। शाबाश, तो फिर चलो। फिर फोमांचु ने उन्हें उस इमारत के भीतर पहुंचाने में जरा भी सुस्ती नहीं दिखाई जहां प्रोफेसर घोष की प्रयोगशाला थी। फोमांचु अपने सुरक्षा सैनिकों को आदेश दो कि वे हथियार फेंककर अलग हट जाए और हमारा रास्ता रोकने की कोशिश न करे, वरना हथियार फेंक दो, यहां से दफा हो जाओ। जो आज्ञा मामी। द्वार पर खड़े सैनिकों द्वारा हथियार फेंककर वहां से हटने के पश्चात राम रहीम फोमांचु को कवर किए हुए प्रोफेसर घोष की प्रयोगशाला में दाखिल हुए। अरे कौन, कहीं राम रहीम तो नहीं? नमस्ते प्रोफेसर अंकल, आपने मैं बिल्कुल ठीक पहचाना, हम राम रहीम ही है और आपको यहाँ से आजाद करा के ले जाने के लिए आए हैं। शाबाश मेरे बहादुर बच्चों। प्रोफेसर अंकल आप हमारे साथ आए, और हाँ, बाहर पड़ी गनों में से गन साथ लेना हरगिज न भूले, यदि खतरा पेश आए तो निसंकोच फायरिंग करिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से जल्दी निकल चलो, वरना आपसे ठीक 20 मिनट बाद यह टापू राख के ढेर में बदल कर समुद्र के गर्त में समा जाएगा। क्या मतलब? क्या? प्रोफेसर की बात सुनकर राम ने बुरी तरह चौंक उठे। फोमांचु भी एक बकाकर प्रोफेसर का चेहरा ताकने लगा था। उत्तर में प्रोफेसर ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर जहां राम नेम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, वहीं फोमांचु क्रोध से बिफर उठा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा प्रोफेसर। तुम अपनी जुबान बंद ही रखो गंदे नाली के कीड़े, और चुपचाप हमारे साथ बाहर चलो, वरना मजबूरन तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी मुझे। और दहशत से फोमांचु पुनः खामोश हो गया। फोमांचु को ढाल बनाए राम रहीम और प्रोफेसर घोष उस इमारत से बाहर निकले। शहर और बुरी तरह अफरात तफरी मची हुई थी और खतरे का सारे भी तेज शोर में चीख रहा था। फोमांचु, यदि यदि जिंदा रहना चाहते हो तो अपने सैनिकों को हमसे दूर ही रखना, वरना ध्यान दे हमारे मरने का नंबर तुम्हारे बाद ही आएगा। ठीक है। फोमांचु इतनी बुरी तरह भयभीत हो चुका था कि उसने वैसा ही किया जैसा कि राम रहीम चाहते थे। कई बार सैनिकों ने उनका मार्ग रोकने की कोशिश की, लेकिन फोमांचु के आदेश पर उन्होंने मार्ग छोड़ दिया। शीघ्र ही राम रहीम व प्रोफेसर फोमांचु को लेकर पुनः महल की छत पर जा पहुंचे, जो हेलीकॉप्टर अभी भी सुरक्षित खड़ा हुआ था। रहीम, फोमांचु को जंजीरों से जकड़ दो। ओके बॉस। हेलीकॉप्टर से बंधी उसी जंजीर को उठाकर रहीम फोमांचु की ओर बढ़ा, जिससे बुलडॉग उन्हें बांधकर वहां तक लाया था। यह देख फोमांचु तुरंत हकला कर बोल उठा, ठहरो आखिर तुम लोग अब मुझसे चाहते क्या हो? यदि तुम प्रोफेसर को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, विश्वास रखो मैं तुम्हारा मार्ग अब रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। प्यारे शुतुरमुर्ग, हम चाहते हैं कि जिस तरह हमें बांध कर यहाँ की सैर कराई गई थी, वैसी सैर तुम भी थोड़ी सी कर लो, वरना यह तमन्ना दिल में लिए ही यही टापू के साथ तबाह हो जाओगे। कहने के साथ ही रहीम ने उसी के मोटे जिस्म को जंजीरों से जकड़ दिया और फिर तीनों हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गए। सुनो सुनो तो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा ही धन दूंगा। फोमांचु बुरी तरह घिया उठा, लेकिन राम रहीम और प्रोफेसर घोष उसके घिघियाने पर कोई ध्यान न देकर हेलीकॉप्टर के भीतर जा बैठे। जल्दी हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाओ, विनाशकारी किरणों के फट निकलने में अब केवल 3 मिनट शेष रह गए हैं। ओह जल्दी करो रहीम, ये लो भैया। दूसरे सन रहीम ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर आकाश में उठा दिया। फोमांचु जंजीरों के सारे नीचे लटका हुआ था। ओह न जाने कैसी सजा देंगे ये शैतान मुझे, बुरा फसान के जाल में। और ठीक 3 मिनट बीतने पर धूम धड़ोम पड़ोक प्रोफेसर घोष द्वारा इजाद की गई विनाशकारी किरणें काले टापू पर प्रलय बरपा करने लगी थी। क्यों मियां फोमांचु,
कैसा लग रहा बर तुम्हें अपना टापू? ओह मेरा टापू, मेरे सपनों का महल। तभी रहीम ने हेलीकॉप्टर की खिड़की से बंधा जंजीर का दूसरा सिरा खोल दिया। चेचे दुख मत करो मेरे प्यारे, तुम्हें अपना टापू इतना ही प्यारा है तो लो, मैं तुम्हें वहीं पहुंचा ही देता हूँ। नहीं, और फिर हा हा हा, इंसानियत के दुश्मन, तेरा जिंदा रहना विश्व के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता था। आई, इस तरह विश्व सम्राट बनने का केवल सपना ही समझोकर एक खतरनाक मुजरिम कोमांचू अपने टापू के साथ ही आग की लपटों में समा गया। धड़म धड़ाम कड़ा, आफत के पुतले राम रिम अपने मिशन को सफल बनाकर अपने देश वापस लौट रहे थे तो काला टापू जलता हुआ का एक छोटा सा पिंड नजर आ रहा था, जो सने सने राख के ढेर में परिवर्तित होता हुआ समुद्र में बैठता जा रहा था। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।